असलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे कि हम इलस्ट्रेशन के ऊपर एक स्टार की मदद से हम एक रियलिस्टिक फ्लावर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ ऑप्शन में जाके किया। सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, कोई भी शेप का, कोई भी साइज का, जितना भी आप चाहो। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने इसका जो फिल है इसको यहाँ से इसको रिवर्स कर देना है। मुझे इसके ग्रेडियंट ऑप्शन में जाना है, क्योंकि मुझे तो कलर देना है, मुझे स्ट्रोक को स्ट्रोक कुछ भी नहीं देना। तो मैं इसके विंडो में जाऊँगी, और विंडो में जाने के बाद यहाँ पे ग्रेडियंट है, इसका जो की है वो है कंट्रोल प्लस एफ9। ठीक है, तो आप इतना इसके इतना बहुत करते हो, चाहो तो आप यहाँ विंडो की मदद से यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसके कलर चेंज करने हैं, और मैं ये बीच वाला जो है ये मैंने चूज किया हुआ है रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाला जो बटन है यानी जो साइड है इसको मैंने कलर दूसरा देना है। तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पास मेरा कलर पैलेट खुल जाएगा। अब मैं इसके ऊपर पिंक कलर दे रही हूँ, आप मर्जी आप इसको जो चाहो वैसा कलर देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद इसका ये जो सेकंड पार्ट है इस तरह भी हम यहाँ पे करेंगे। मैंने डबल क्लिक किया तो मैं इसको यहाँ व्हाइट कलर दे रही हूँ। अब मुझे इस मिडिल पार्ट में भी कुछ कलर देना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको ऑल्ट प्रेस करूँगी। ठीक है, और फिर मैं इसको ड्रैग करते हुए कर्सर को लाऊंगी तो इसकी कॉपी आ जाएगी। क्योंकि आपने ऑल्ट प्रेस किया और होल्ड करते हुए उसको ड्रैग किया तो इसकी कॉपी आ जाएगी। उसके बाद आप इसको मिडिल में ले आएँ इस तरीके से। ठीक है, और इसको अब आप कोई भी कलर दे दो आपकी मर्जी। यहाँ पे दोबारा कलर देंगे, इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम इसको पर्पल कलर दे दें या जो भी कलर आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी जो ग्रेडियंट लाइयर्स है इसकी मैंने लोकेशन जो है वो मैंने लिखी यहाँ 62%। यहाँ 62% दे ली, और ये वाली जो लोकेशन है इसको हम 50% दे देंगे। तो मैं यहाँ इसको 50% दे दूँगी। ठीक है, उसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे, ये हमारा पर्पल आ गया। ठीक हो गया, उसके बाद हम इसी ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे मैं स्टार क्लिक करूँगी। अब मैं स्टार इस तरीके से आ रहा। ठीक है, अगर आप क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप किसी के साथ इसकी अपर की जो एरो की होती है वो आप प्रेस करते हैं तो ये इस तरीके से बन जाएगा स्टार्ट। अगर आप देखो तो कितने सारे इसके एंड आ चुके हैं। ठीक है, तो हम अब मेरा काम हो चुका है इन सब चीज़ों का सर्कल का पहले डिलीट कर दूँ, क्योंकि मैंने इसको फिर कलर देने के लिए इसको यूज़ किया था। और अगर आप इसको अब आप करना क्या है, आप मुझे इसकी कॉपी चाहिए तो मैंने इसको कंट्रोल सी किया और कंट्रोल एस कर दिया। कंट्रोल एस करने से क्या होता है कि उसके फ्रंट पे वो कॉपी आ जाती है। आप कंट्रोल क्या कहते हैं बी भी कर सकते हो, पेस्ट हो गया तो कहीं और आ जाएगा, तो मुझे कॉपी पेस्ट चाहिए। अब मैंने इसका साइज छोटा करने में साइज छोटा करने के लिए मैं ऑल्ट और शिफ्ट को एक साथ प्रेस कर रही हूँ, और अब मैं इसका साइज छोटा करूँगी। इससे फायदा ये होगा कि हर साइड से इक्वली छोटा होगा, आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने इसको छोटा कर दिया और मैं इसको छोटा कर दूँगा तो हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने इसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अच्छा इसके अंदर ये बात पता चले कि ये जो स्ट्रोक आपको दिख रहा है इसमें कुछ पे कलर नहीं दिया है इसके स्ट्रोक पे। अब हम इन दोनों को होल पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद हम जाएंगे ब्लेंड पे, और ब्लेंड पे जाने के बाद हम जाएंगे ब्लेंड ऑप्शन। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ तीन ऑप्शन देता है, स्मूथ कलर, स्पेसिफाइड स्टेप्स और स्पेसिफाइड डिस्टेंस। तो हम जाएंगे स्पेसिफाइड स्टेप्स पे। अब यहाँ आप नया दे सकते हो, कुछ और भी देना चाहो तो दे सकते हो, यहाँ मैंने नहीं दिया। ठीक है, देन अगेन हम जाएंगे ऑप्शन पे, ब्लेंड पे, और उसके बाद हम मेक पे जाएंगे। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई, उसके बाद हम जाएंगे हमारे इफेक्ट पे। आप इफेक्ट्स पे गए, इफेक्ट पे जाने का डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म आ रहा है, आप इसके यहाँ पे ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पे मैं आपको ओके कर देना है। आपका खूबसूरत फ्लावर जो है वो क्रिएट होगा। अभी आपका इसकी साइज अगर आपको बड़ी छोटी करनी है तो आप इसकी बड़ी छोटी इतना से कर सकते हो। साइज को आपका खूबसूरत रियलिस्टिक फ्लावर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आप इसके अंदर जो चाहो वो कलर आप इसके अंदर डाल सकते हो, वो जैसा आपको अच्छा लगे। और अगर इसके बैकग्राउंड को आपको ब्लैक कलर देना है तो उसका जो है वो तरीका ही होता है, आप उसको व्हाइट क्रिएट करो और उसको ब्लैक कलर दे दो। सो ये मैंने अपना बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कर दिया था आर्ट बोर्ड को, और ये पूरा जो फ्लावर है ये क्रिएट हो गया। फिर और से एक छोटे से सर्कल की या फिर आप ये कह रहे छोटे से फ्लावर की मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं वीडियो बनाने के लिए थैंक यू।